इस मसले की समझ आ गई है चले। और दुम्बा और छतरा, उसके लिए एक साल की शर्त है। दुम्बा या छतरा अगर 6 महीने के हो, कितने महीने के? 6 महीने के हो, लेकिन लगते साल के हो, तब भी उनकी कुर्बानी क्या है? तब भी उनकी कुर्बानी क्या है? बोलिए, मसले समझ आ रहे हैं? हमारे यहां बड़े धोखे होते हैं, बड़े फ्रॉड होते हैं, वो कई जानवरों के दांत जानबूझ कर तोड़े जाते हैं, कई जानवरों के दांत मंडियों में बकायदा मशहूरी तौर पर लगाए जाते हैं, तो इंसान धोखा खा के आ जाता है। बस यही आपने जेब नशीन रखनी है बात। आप जब कुर्बानी खरीदने जाए, वो शख्स जो आपको कुर्बानी बेच रहा है, उसकी जबान अगर आपको लगता है कि एक साल का है, तो दांता पर ना जाए। दांत होना एक निशानी है, अलामत है, लेकिन उस पर ना जाए, अपनी तसल्ली करके आए। उसकी जबान का फिर एतबार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब अगर आपने खरीद लिया है और उसकी उम्र पूरी नहीं है, तो भाई आप अपने सुबार आपकी कुर्बानी हो जाए। आपने बस अपनी तरफ से तसल्ली कर ली। मैंने कहा कि भेड़ और दुम्बा अगर 6 माह के हो, लेकिन लगते कितने हो? 1 साल के, तो उनकी कुर्बानी नहीं जाए। इसी तरह गाय, भैंस, बैल, इनकी उम्र कम से कम 2 साल होना जरूरी है। कितनी बोलिए? 2 साल। फिर बोलिए, उम्र कितनी होना जरूरी है? 2 साल। इसी तरह ऊंट या ऊंटनी, इनकी उम्र कम से कम 5 साल होना जरूरी है। 5 साल, इससे कम हो तो कुर्बानी नहीं लगेगी। अब अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जानवर जो अल्लाह की राह में कुर्बान करने हैं, उनका बेऐब होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बोलिए, फिर बोलिए, क्या होना जरूरी है? बेऐब होना जरूरी है। उनके अंदर जाहिरी तौर पर कोई ऐब ना हो, कोई ऐब ना हो। जिस तरह आप अपने लिए अच्छी चीज पसंद करते हैं, कोई मुझसे पूछे कि ऐब कौन सा, मिसाल के तौर पर सुने, वो ऐब जो किसी जानवर की कीमत को घटा दे। बस ये मोटा सा उसूल मैं आपको बता रहा हूं, मोटा सा उसूल याद कर लें। मुजरम जफर इकबाल साहब, जफर साहब बैठे जी, माशाल्लाह, मोटा सा उसूल याद कर लें। मैं बताऊं कि कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जब कटा हो तो ये सीन टुकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सीन कट गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जड़ से निकल गया है, जख्मी हो गया है, अब नहीं, ठीक है। ये सारी निशानियां मैं बताता रहा, उसके थन कटे हुए हैं फिर भी नहीं, 2 थन 4 थन वाला जानवर, उसके 2 खत्म हो गए या सूख गए, अब उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। 2 थन वाला जानवर, उसका अगर 1 थन कट गया है या दूध खुश्क हो गया है, तो अब उसकी कुर्बानी। तो जो ऐब किसी जानवर की कीमत को कम कर दे, क्या कर दे बोलिए, कम कर दे, वो जानवर कुर्बानी पर नहीं लग सकता। बस ये मोटा सा उसूल रखें, जानवरों की उम्रों का ख्याल रखें, जानवरों की सेहत का ख्याल रखें, फिर जानवरों को अपने साथ मानूस करें, जानवरों से मोहब्बत करें, जानवरों को नमूद और नुमाइश का जरिया न बनाए। मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूं, जानवरों को नमूद और नुमाइश का जरिया, बोलिए। अब आप टीवी देख ले, सोशल मीडिया देख ले, कुर्बानी के जानवरों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुर्बानी के जानवरों की तजहीद की जा रही है, कुर्बानी के जानवरों को नुमाइश के तौर पर पेश किया जा रहा है। वल्ला, ये कुर्बानी के जानवरों के साथ मजाक है। ये अल्लाह के हुजूर आपने तोहफे पेश करने, अल्लाह के हुजूर कुर्बान करना है, इनके साथ मानुसियत इख्तियार करें, आपके बच्चे इनके साथ मानुस हों, इनकी खिदमत करें, इनसे प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें, जानवरों की कुर्बानी से पहले उनके साथ मनस करें, उनको अपने हाथों से खाना खिलाएं,
उनको धोए, उनको नहलाए, उनकी खिदमत करें, अपने साथ मानूस करें। इस तरह मानूस करें कि कुर्बान करते वक्त बंदा अल्लाह के हुजूर शुक्र गुजार हो, मौला मैंने एक प्यारी चीज तेरी बारगाह में कुर्बान की है। क्या बोलिए? एक प्यारी चीज, मैंने महबूब चीज अब तेरी बारगाह में प्यार पेश किया। ये मैं सोशल मीडिया पर इस जामिया और इस मदरसा में जो जानवर लाए जा रहे हैं मैं देख रहा था। इसलिए नहीं कह रहा कि ये मैं इस मिंबर पर बैठा हूं, मैं देख रहा था कि मस्जिद की अंजुमन, मस्जिद के अहबाब जानवरों के लिए मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मोहतरम मुश्ताक पट्टी साहेब, मोहतरम राव आसिफ साहेब, नदीम जफर साहेब, मोहतरम सुल्तानी साहेब, तमाम अहबाब, इनकी मोहब्बतें मैं देख रहा था। मोहतरम मिर्जा शौकत साहेब जानवरों से मोहब्बत कर रहे थे, जानवरों से प्यार कर रहे थे। ये वो तरीका है कि जानवरों के साथ अपने आप को मानूस करें, उनकी मोहब्बत अपने दिलों में डालें, अपनी मोहब्बत उनके दिलों में डालें, ताकि कल जब आप कुर्बान करें तो आपके दिल में चाहत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। तो जानवरों के साथ उनस पैदा करें, उनको नमूदो नुमाइश का जरिया ना बनाए। वे बोलिए, उनको नमूदो नमाइश का जरिया ना बनाए। ये जो कुर्बानी के जानवर हैं अल्लाह के हुजूर हमने पेश करने हैं। अगला मसला वो सुन ले, ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, कोई शख्स कुर्बानी करने वाला अपने दिल में गोश्त खाने की नीयत लेकर कुर्बान न करे। ये मैं बड़ा अहम मसला बता रहा हूं, बड़ा अहम मसला कि मैं गोश्त खाऊंगा, मेरे घर में गोश्त पकेगा। ये क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। गोश्त खाने की नीयत से जानवर कुर्बान न करें, अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान करें, उसकी खुशनूदी की खातिर कुर्बान करें। देखिए, अगर आपके दिल में गोश्त खाने की नीयत आ गई, आपकी कुर्बानी का सवाब ज़ाया हो जाएगा, कुर्बानी का सवाब ज़ाया। इसी तरह अगर एक गाय के पांच या सात हिस्से हैं, सात मुख्तलिफ लोगों ने हिस्से डाले हैं, किसी एक शख्स के दिल में भी नियत की खराबी आ गई, गोश्त खाने की नियत आ गई, तो उसकी अपनी कुर्बानी भी खराब हो जाएगी और बाकी हिस्सेदारों की कुर्बानी भी खराब हो जाएगी। कितनी एहतियात की जरूरत है, कितनी एहतियात की जरूरत है। और फिर जब गोश्त तकसीम हो रहा है, गोश्त तकसीम, तो कोशिश की जाए कि अदब से तकसीम हो, इंसाफ से तकसीम हो, सबको बराबर बराबर तकसीम हो। इसलिए कि अगर किसी एक हिस्सादार के दिल में भी ये ख्याल आ गया कि मुझे कम मिला है, फलां को ज्यादा मिला है, तो सबकी कुर्बानी खराब हो जाए। किसी एक को भी सवाल बोलिए, खुली नीयत के साथ आए, किसी की एक कोटी कम हो गई या ज्यादा हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिल में आपकी नीयत में खराबी नहीं आनी चाहिए। आपका ईमान मजबूत रहना चाहिए, आपका नजरिया मजबूत रहना चाहिए। आप जानवर को अंडा के लिए कुर्बान कर रहे हैं, बंदा के लिए और खाने के लिए कुर्बान नहीं कर रहे। लिहाजा ये वो कुर्बानी के मसाइल हैं।